गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज आपके पास एक संदेश लेके आने के लिए परमेश्वर ने जो अनुमति दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन से कुछ बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। पहला समूएल 16 अध्याय वचन 7 यह कहता है, परंतु यहोवा ने समूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रियो, हम जानते यहां पर शमूएल भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर ने बैतलहम को भेजा, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, क्यों? क्योंकि हम 6 आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, एलीआब को देखकर शमूएल ने बोला कि परमेश्वर का अभिषेक इस पर होगा, जरूर से परमेश्वर ने इसको राजा के लिए पसंद किया होगा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना था। क्यों? बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे ऊपर का जो दिखावा है वो तो देखता ही देखता है, लेकिन हम अंदर से, हमारे मन से कैसे साफ है वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे भीतर देखता है। मनुष्य जो देखता है वो शायद ऊपर ही देख सकता है, ऊपर की ओर देख सकता है, लेकिन उसके अंदर, उसके भीतर क्या चल रहा है वो परमेश्वर ही देखता है। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सी जगह पर हम पाए जाते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बाहर से शायद आपकी मंडली, आप कलीसिया को अच्छे लगते हो, आपके पेरेंट्स को अच्छे लगते हो, आपके पड़ोसी को अच्छे लगते हो, आपके दोस्तों को अच्छे लगते हो, लेकिन क्या आज आप परमेश्वर को अच्छे दिखते हो? एक सवाल मैं आपके लिए ये छोड़ना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर को अच्छे लगते हो तो मैं मानता हूँ आप सबको अच्छे लगते ही होंगे। प्रियो, मैं आप बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति तैयार होकर बाहर घर से निकलता है, शादी के लिए जाता है, बर्थडे के लिए जाता है, वो मन थन ऐसा कपड़े, परफ्यूम ये सब लगा कर जाता है। बहनों की बात करें तो वो भी कितना श्रृंगार सज कर वो जाती है, तैयार होकर जाती है। और क्यों? क्योंकि लोग हमें देखे हम कैसे दिखते हैं। लेकिन बहुत सी बार ये होता है हमारे अंदर, हम मनुष्य अंदर से बहुत ही खराब होते हैं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आप चर्च में शायद तैयार होके जाते हो, आप अच्छा दान डालते हो, वो सब बराबर है, लेकिन आपका मन क्या शुद्ध है? जब आपको किसी के बाद कुछ झगड़ा होता है, क्या आपका मन कहता है कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या कभी भी आपसे कुछ गलती हो जाती है, तब क्या आपका मन आपसे कहता है कि ये गलत हो चुका है? तब क्या करते हैं आप? क्या आप उस समय परमेश्वर के आगे झुक कर उस बात के लिए रो कर क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझसे गलत हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप अंदर से साफ हो जाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं मत्ती का 23 अध्याय पढ़िए, परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुत कुछ कहता है वहां पर। यीशु मसीह ने खुद कहा कि आप बाहर से जो दिख रहे हो वो अंदर से नहीं हो। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, आप लोग मुझे मन से पुकारिए, मन से धन्यवाद कीजिए, मन से मेरे पास आइए, है ना? यू परमेश्वर ये जानता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे मन से शुद्ध होकर जाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी कर ले, कितना भी हम परमेश्वर के कामों को, चर्च के कामों को, इस कामों को करने के बावजूद भी यदि हमारा मन अभी तक शुद्ध नहीं है, अभी तक हमारा मन किसी के विरोध में है, अभी भी हम किसी को माफ नहीं कर रहे, अभी भी किसी की हम हेल्प नहीं कर रहे जो दिल से करना चाहिए, तो वो सब जो हम करते हैं बाहर का जो दिखावा है वो शायद लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को चाहता है,
हमारे मन को शुद्ध कीजिए। इन दिनों में इस महामारी में हम जानते हैं बहुत सारे हम मरकी को देख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात जरूर चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर में बने हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को थामे रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे प्रियो, यदि हमारे मन से शुद्ध होकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर से परमेश्वर में बड़ी आशीष देगा, परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर में आगे लेके जाएगा। आज सुबह मैं यही कहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे मन को शुद्ध कीजिए। यदि आप किसी इंसान को अच्छे दिखने के लिए, आप यदि किसी को दिखने के लिए आप बाहर से अच्छे दिख कर जाते हो या वास्तव में परमेश्वर से बात की। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि एक लड़का या लड़की हो किसी को अगर मिलने के लिए जा रहे हैं, कितना सज थज के वो लोग जा रहे हैं, क्यों? मैं उसे अच्छा दिखना चाहिए चाहूँ, मैं उसे अच्छी दिखनी चाहिए। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ऐसे ही हमको रोज मिलने के लिए आता है। यीशु मसीह चाहता है मेरे लड़के को मैं रोज मिलूं, और वैसे नहीं, अच्छे मन वाला अच्छा हो पारा, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। बस मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ आप पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।